हेलो सर मेरा नाम सदानंद अपीली है मैं मैं ट्वेंटी ईयर्स का हूँ सर uh, मेरा एक सवाल है जैसे अभी हमारा क्लास चालू है वन एंड हाफ मंथ्स हो गए hmm. तो जब सर कुछ सिखाते हैं ना तो बोलते हैं होमवर्क करना है तो मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो इतना सोचता हूँ कि वो फिर मुझे कन्फ्यूज़ कर देता है वो चीज़ सेल्फ डाउट नहीं है कि कर नहीं पाऊँगा या करियर का कर टेंशन नहीं बट उस सिचुएशन जो सर ने सिखाया उसको कितना मैं समझ सकूँ थ्री मंथ्स क्योंकि थ्री मंथ्स थी हमारे पास हेलो फ्रेंड्स फिल्म सेलिब्रिटी और की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए इसमें भी क्या है साधारण क्या होता है जैसे आपको कोई चीज बताई गई तो क्योंकि हम सो कॉल्ड लिटरेट पढ़े लिखे लोग हैं ना तो हम उसको ना बहुत एनालाइज करते हैं जबकि क्रिएटिविटी में रूल फॉलो नहीं होता क्रिएटिविटी में सीधे अटेम्प्ट फॉलो होता है तो मेरा ये कहना है जब आपको घर में ऐसा लगे कि उन्होंने बताया था क्या क्या आप अटैम्प्ट करो अटैम्प्ट करने से कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी और वो प्रोसेस है क्रिएटिविटी का हम लोग जो सोचने में समय गवाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है बेसिक प्रिपरेशन करना है कौन बोल रहा है किससे बोल रहा है इमोशनल मार्किंग करना है ये करना वो करना वो सब कर लिया माइंड क्लियर हो गया ना अब सर ने बोला आज मेरे को फील एंड फिल करना है ओके फील एंड फिल में मुझे ये ये बात का ध्यान रखना है तो आज मैं सिर्फ फोकस करूँगा फील एंड फिल पर बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगा होता यह है कि फील एंड फिल पर ध्यान दे देने बाद में हम सोच रहे हैं अरे वो लाइन भूल गया यार पर आज प्रैक्टिस किसकी कर रहा था तो जिसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं मेरा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए भले लाइन में भूल गया चलेगा जिस दिन मेमोराइज कर रहा हूं उस दिन फिर मेरा ध्यान होता है इमोशंस पे क्या यार इमोशंस तो नहीं आ रहे आज प्रैक्टिस का की कर रहा हूं memorize की। तो मेमोराइज पे ध्यान दो मैं ये सोचूं कि मैं टू का टेबल याद कर रहा हूं ठीक है और नाइन का तो मुझे कैसे आएगा पता नहीं तो उसके लिए नाइन तक पहुंचना पड़ेगा ना और नाइन का याद कर रहा हूं सोच रहा हूं यार थ्री का भूल तो नहीं गया क्लियर हो पा रहा है ना तो आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है कि मेरे को आज जो प्रैक्टिस बताइए उसका बेसिक रूल फॉलो करूंगा और मैं सिर्फ अटैम्प्ट करता जाऊंगा रियली जानिए जितना ज्यादा आप अटैम्प्ट करेंगे बार 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 वो एक्सप्लोर होगा वो एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं एक्सप्लोर होगा वो ब्लास्ट होगा क्योंकि वो अंदर से आपके भरा हुआ है सारा ब्रिलियंसी सारी जो टेक्निक्स हैं सारी जो एक्टिंग है वो आपके अंदर भरी पड़ी है होल्ड हमने किया हुआ है आप उसको सरेंडर करके छोड़ दो निकलने दो जो निकल रहा है आप तो आने दो बाहर जो आ रहा है देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा अटैम्प्ट करो सवाल जो होते हैं ना सर वो करने को देते ही नहीं है मतलब हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है चाहते अरे ये तो आता नहीं मुझे फिर से सोचता उसके बारे में दो घंटा मतलब उस पर चले जाता है और अगर एक घंटे अपने अटैम्प्ट किया होता तो कितनी बार परफॉर्म किया होता हाँ, कितनी बार चार पांच बार तो हो गया होता मिनिमम और पाँच बार परफॉर्म किया होता तो परफॉर्मेंस किस लेवल पे होती हाई क्या हो गया है एक पैटर्न बन गया है कि साल भर पढ़ाई करेंगे फिर एग्जाम देंगे भाई वो अलग चीज थी ये अलग चीज है यहां तो जाना सीखा समझा और परफॉर्म करना अब परफॉर्मेंस के बाद एक एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा मेरे को ये हुआ ठीक है दोबारा करता दो उस चीज चीज को फिर से देखा चीज़ को देखने के बाद दोबारा परफॉर्म कर दिया फिर से देखा फिर परफॉर्म कर दिया वो एक घंटे को एक्चुअली हम मिस कर रहे हैं क्लियर हो रहा ना हम दो पैटर्न को मिला रहे हैं इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला इंजीनियरिंग में ही चलेगा भाई वहां तो एनालाइज करना पड़ेगा वहाँ फैक्ट्स देखने पड़ेंगे वहां चीज़ों को डेटा एनालाइजेशन करना पड़ेगा लेकिन उसको मेरे को क्रिएटिविटी में नहीं करना क्रिएटिविटी में तो बल्कि क्या होता है मालूम आपको जब भी थोड़ा सा भी मेंटल ब्लॉक आता है कुछ आता है ना तो वो छोड़ देते हैं सर डर तो लगता है अभी नहीं वो छोड़ देते हैं फिर वो एनालाइज भी नहीं करते ये मैं आपको एक हिडन टेक्निक बता रहा हूँ जैसे कोई राइटर है कोई फिल्म मेकर है कोई एक्टर है उसको मेंटल ब्लॉक आ गया या सेल्फ डाउट बहुत सारे वो क्या करेगा थोड़ी देर छोड़ देगा कुछ भी करेगा चाय पिएगा घूमने निकल जाएगा हटी जाएगा वहाँ से क्यों क्योंकि अब वो दिमाग पे हावी हो रहा है उसको मेंटल ब्लॉक बोलते हैं क्रिएटिविटी में और फिर देखेगा आराम से हो जाएगा अचानक हो जाएगा क्योंकि आप एक मोमेंट में एक ही काम कर सकते हो या तो आप डाउट करो या तो आप अटैम्प्ट करो दो काम कर सकते हो क्या एक पल में दो काम हो सकते हैं क्या दुनिया की कोई ताकत कर सकती है क्या नहीं, नहीं कर सकते तो आप क्या कर रहे हो वो एक घंटे में डाउट कर रहे हो एनालाइज कर रहे हो राइट कि कैसे करूंगा मेरे को तो आता नहीं है ये वो। अब इसी एक घंटे में अगर मैं प्रैक्टिस करूं और अटेम्प्ट करूं तो रिजल्ट अच्छा नहीं तो कुछ तो आएगा हाँ. किसी लेवल का तो आएगा लेकिन एक घंटे मैंने सिर्फ सोचा तो रिजल्ट कैसे आएगा जी. शादी के बारे में सोचना अलग बात है ना, ना, ना. करना अलग बात है ना सोचने में तो कुछ नहीं होगा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा वो ही सोचो मत कर डालो बार बार करो इसलिए बोलते हैं ना जो बाकी आर्ट है जैसे म्यूजिक में है सिंगिंग में वो लोग रोज रियाज क्यों करते हैं वो इसलिए करते हैं कि को तो रियाज करना है मेरे को तो प्रैक्टिस करनी एक्टिंग में हम सोचते ज्यादा है जबकि अगर आपको मैं सही बताऊंगा सिंगिंग का रियाज ना आपसे भी ज्यादा बोरिंग होता है गाना है उनको बिचारों को बॉलीवुड का गाना और लगे हुए सारे गाना पधा नहीं था आपको तो फिर भी परफॉर्मेंस के लिए करेक्टर मिल रहा है डायलॉग मिल रहा है मोनोलॉग मिल रहा है उनको तो वो भी नहीं मिल रहा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उसमें कुछ और ही कर रहे हैं प्रैक्टिस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अगर वो रेगुलर करते क्योंकि क्या है उनको मालूम है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्टिंग में हम ना रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं ये प्रॉब्लम है बेस्ट करना है बेस्ट हो जाएगा ना अगर एक घंटे आपने पांच बार परफॉर्म कर दी तो बेस्ट तो होगा ही ना मतलब आपका बेस्ट होगा आपका पिछली परफॉर्मेंस से तो बेस्ट ही होगा क्लियर वही सर आज परफॉर्म किया ना तो भूल गया कल जो हुआ था अच्छे से परफॉर्म हुआ फिर वो चीज़ जो कल ब्लॉक था मेंटल वो परफॉर्म करो न्यूट्रल रहो बिंग एक्टर ना आपको न्यूट्रल रहना चाहिए कल जो मैंने कर दिया वो कल खत्म है कल मैंने एक बहुत अच्छा रोल किया था सबने क्लैपिंग किया था वो दिमाग में लेके जाऊंगा तो आज गड़बड़ हो जाएगी फिर कल किसी ने मेरे को गालियां दी थी वो दिमाग में लेके जाऊंगा तो परफॉर्मेंस गड़ गड़ वो गया जान दो आज का परफॉर्मेंस आज का कल मुझसे नहीं हो पाया था कोई बात नहीं कल मैंने क्लास में किया था सबने बहुत अप्लॉज किया था तो आज नहीं कर पाया तो हाँ। अरे कल गया यार छोड़ उसको क्लियर थैंक यू सर हेलो फ्रेंड्स फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप